वेलकम स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस क्लास एयर एट प्रेजेंट वी आर स्टडी चैप्टर द यूनिवर्स इन दिस चैप्टर यूनिवर्स वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस प्लैनेट्स विच आर प्रेजेंट इन सोलर सिस्टम यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट आर अर्थ the planet on which we used to live upon. Today I am going to discuss a very important topic which is artificial satellite. Artificial satellite के बारे में सबने सुना होगा. इंडिया ने अपनी कंट्री ने जो पहला सेटेलाइट स्पेस में छोड़ा था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट. ओके, ये सैटेलाइट क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं मैन मेड सैटेलाइट को. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड सैटेलाइट्स विच मूव अराउंड द अर्थ. हमारी अर्थ के चारों तरफ ये सैटेलाइट मूव करते हैं. और ये क्यों मूव करते हैं, इनके मूव करने से ह्यूमन बींग्स को क्या बेनिफिट मिलता है? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स स्पेस में इसलिए डाले जाते हैं, इसलिए इनको स्थापित किया जाता है जिससे हम साइंटिफिक रिसर्च कर सकें, जिससे हमको वेदर के कंडीशन के बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है, जिससे हम सी के भीतर देख सकें, जिससे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकें, जिससे हम मोबाइल का इंटरनेट का यूज़ कर सकें, टीवी घर पर देख सकें. तो ये सारे यूजेस हैं इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के. तो हमको आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए. ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड सैटेलाइट विच मूव अराउंड द अर्थ. एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मैन मेड मशीन दैट कॉन्टिन्यूसली ऑर्बिट अराउंड द हेवनली बॉडी. ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से ये सेटेलाइट, आर्टिफिशियल सेटेलाइट किसी स्पेस में, किसी खास ऑर्बिट में रखे जाते हैं. ठीक है, और सेटेलाइट रिमेन इन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ अ बैलेंस बिटवीन द अर्थ ग्रेविटी एंड सेटेलाइट वेलोसिटी. ये वहाँ पर टिके कैसे रहते हैं? हमारे अर्थ के सराउंडिंग में ये रोटेट तो करते ही हैं, रोटेशन करते हैं ना, तो ये वहाँ पे रुके कैसे रहते हैं, गिरते क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि हमारी अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है. ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो और प्लस इनके रिवोल्यूशन की स्पीड को आपस में क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है. इसी वजह से ये सैटेलाइट्स नीचे गिरते नहीं हैं. ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैज अफेक्टेड आवर लाइफ्स इन मेनी वेज. बहुत तरीके से ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं. इट हैज मेड पॉसिबल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ टीवी प्रोग्राम. इसी सैटेलाइट की वजह से हम बहुत डिस्टेंस में बैठ करके भी टीवी प्रोग्राम्स देख सकते हैं. इट हैज मेड पॉसिबल इंटरनेट एंड टेलीफोन. विदाउट सैटेलाइट हम कल्पना भी नहीं कर सकते इंटरनेट की और मोबाइल में बात करने की. और इसी की वजह से आप लोग ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करते हैं ड्यू टू दैट सेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट सैटेलाइट इन द स्पेस विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ओके, इंडियन सैटेलाइट की अगर बात, दीज सैटेलाइट आर ऑल्सो यूज फॉर रिमोट सेंसिंग, स्पाइंग, डिफेंस एंड रिसर्च. इन सारी चीजों में इन सैटेलाइट्स का यूज होता है. इंडियन सैटेलाइट की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं इसरो. इसरो का नाम आपने सुना होगा, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन.
ठीक है, ये इंडियन सेटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है यही रिस्पॉन्सिबल है, यही इंचार्ज है इंडियन सेटेलाइट का। द फर्स्ट सेटेलाइट मेड इन इंडिया वॉज आर्यभट्ट, पहला सेटेलाइट जो इंडिया का था वो आर्यभट्ट था, और ये 1975 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये सोवियत रॉकेट से लॉन्च किया गया था, रशिया के रॉकेट से लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय तक हम लोगों ने ऐसा रॉकेट नहीं बनाया था कि किसी मैन मेड सेटेलाइट को स्पेस में भेज सके, लेकिन अब नाउ इट इज वी इंडियंस आर हैविंग आर ओन लॉन्चर्स, आर ओन रॉकेट्स। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे साइंटिस्टों ने नया रॉकेट बनाया, अपना ओन रॉकेट बनाया, इस रॉकेट की हेल्प से हम अपना खुद का बनाया हुआ सेटेलाइट स्पेस में भेज सकते हैं। ठीक है, इंडिया नाउ हैज द कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग इट्स ओन सेटेलाइट। ऑन अक्टूबर 22, 2008 इंडिया लॉन्च चंद्रयान वन, इंडिया ने चंद्रयान वन लॉन्च किया, कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा का नाम सुना है, अक्सर टीवी न्यूज़ में आपने देखा होगा या आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से ही ये सेटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। ओके, इन अक्टूबर 22, 2008 इंडिया लॉन्च चंद्रयान वन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। This historic moment of Indian space will be written in golden words, golden letters, बहुत सुनहरे letters में, बहुत सुनहरे words में इस date को लिखा गया है, और हमको ये date जरूर याद रखनी चाहिए, October 22, 2008। ठीक है, इसी दिन पहला satellite इंडिया ने लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से, अपने यहाँ श्रीहरिकोटा से, अपना खुद का, खुद के बनाए हुए रॉकेट से अपना खुद का सेटेलाइट इंडिया ने पहली बार लॉन्च किया था 2008 में। ओके, नाउ कम टू अर्थक्वेक, थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। सडन शॉर्ट टर्म वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस विच शेक द बिल्डिंग अपार्ट and causes gap and fissure to open in the ground is called earthquake। ये earthquake की definition लिखी हुई है आपके ऊपर। The sudden displacement of the earth crust releases energy stored within the earth interior। earthquake से energy भी release होती है। अच्छा, हम लोग earthquake को कैसे जानते हैं? अभी सारे बच्चे लगभग जानते होंगे, नैन्सी मिश्रा यू हैव हर्ड द नेम ऑफ अर्थक्वेक, क्यों जानती हो बेटा? तो ये अर्थक्वेक अभी जल्दी ही 4-5 साल पहले हम लोग की कंट्री में भी, हम लोग की डिस्ट्रिक्ट में भी आया हुआ था, और इससे बहुत ज़्यादा हार्म हुआ था, बहुत सारी बिल्डिंगें गिर गई थी, रोड्स में क्रैक हो गए थे। ठीक है, ये सारे नुकसान हुए थे। तो ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का, बिल्डिंग्स का, रोड्स का बहुत नुकसान होता है अर्थक्वेक के आने से। ठीक है, अर्थक्वेक क्यों आता है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ ब्लॉक एंड रॉक, ये तो सभी लोग जानते हैं। दीज ब्लॉक्स फ्लोट ऑन अ लेयर ऑफ सेमी लिक्विड रॉक कॉल्ड मेंटल, ये जो रॉक्स हैं ये सेमी लिक्विड मटेरियल पे क्या करते हैं? सेमी लिक्विड मटेरियल पे ये फ्लोट करते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक ऑकर्स व्हेन द ब्लॉक ऑफ रॉक टच और मूव अगेंस्ट ईच अदर इन द सेमी लिक्विड फ्लोट, ये जो सेमी लिक्विड सब्सटेंस है उस सेमी लिक्विड सब्सटेंस पर फ्लोट करते हुए कभी कभी ये जो रॉक्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं या अपना रूट चेंज कर देते हैं, तब ये अर्थक्वेक आता है। ठीक है, नाउ दिस कॉजेज अ सडन स्लिपिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट और टेक्टोनिक प्लेट रिलेटिव टू ईच अदर, दिस मूवमेंट कॉजेज वाइब्रेशन
वोल्केनिक एक्टिविटी एज एक्सप्लोजिव इरप्शन कॉजेज बाई गैस एक्सप्लोजन, कभी कभी वोल्केनिक एक्सप्लोजन से भी अर्थक्वेक आते हैं। एनी सडन वाइब्रेशन और मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉज बाई नेचुरल और मैन मेड फोर्सेज रिजल्टिंग इन द शेकिंग और ट्रेवलिंग इन अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब बहुत सारे कॉजेज हैं अर्थक्वेक के, बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे कुछ कॉजेज हम पढ़ते हैं आपकी बुक में लिखे हुए हैं कुछ कॉजेज। कुछ कॉजेज आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट लिखा हुआ है वोल्केनिक इरप्शन। कभी कभी जो ज्वालामुखी हैं, जो वोल्केनोज हैं, उनके इरप्शन से ये अर्थक्वेक आते हैं। फिर फोल्डिंग एंड फॉलिंग से आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक प्लेट से भी ये अर्थक्वेक आते हैं। मैग्मेड एक्सप्लोजन से भी ऐसा पॉसिबल है और डिसलोकेशन ऑफ द क्रस्ट से भी अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी बनती है। एपिसेंटर इन द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, दिस इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज द ग्रेटेस्ट एपिसेंटर। तो इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है अर्थ के भीतर, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है। आफ्टर शॉक इज ए स्मॉल अर्थक्वेक दैट ऑफन फॉलो द बिग वन। आफ्टर शॉक बोलते हैं जब अर्थक्वेक आनी होती है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक जब स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले आफ्टर शॉक आता है। द रॉक हैज जंप्ड टू फार, इससे रॉक्स जो होते हैं माउंटेन्स के बहुत दूर जा गिरते हैं। ठीक है। आर स्टिल अनस्टेबल, और ये फिर भी अनस्टेबल होते हैं। आफ्टर शॉक आर फेट एंड द रॉक सेटल्ड इनटू मोर स्टेबल पोजीशन। इतनी बात समझ में आ रही है। अब लिखा हुआ है आपकी बुक में कैसे हम अर्थक्वेक को मेजर करेंगे। ये सभी को शायद पता होगा, अर्थक्वेक को रिचर स्केल पे मेजर किया जाता है, इसको रिचर स्केल बोलते हैं। और द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिचर स्केल, इट इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 9। अर्थक्वेक का मेजरमेंट 0 से 9 तक किया जाता है। अगर कोई कहे कि हमारे यहाँ 15 का तो समझना चाहिए कि उसको अर्थक्वेक के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक रिचर स्केल में 0 to 9 रिचर स्केल तक हो सकता है, इससे अधिक का अर्थक्वेक नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए आप लोगों ने नाम, अच्छा, द वेव प्रोड्यूस बाय द अर्थक्वेक आर सिस्मिक वेव। सिस्मिक क्या है, वेव लगा दीजिए। तो सिस्मिक वेव बोलते हैं जो अर्थक्वेक की वेव्स होते हैं उनको। द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड दीज वेव्स इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ बोलते हैं जिस ग्राफ पेपर में हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं हम सिस्मिक ग्राफ। ठीक है। आप लोगों ने सुनामी का नाम सुना होगा। सुनामी इज कॉल्ड व्हेन एन अर्थक्वेक डिस्टर्ब्ड द सी फ्लोर। सुनामी क्यों आई थी, जो सी का बेड होता है, ओशियंस हैं तो ओशियंस का जो बेड होता है, ये बहुत बड़ा ओशियन मान लेते हैं, इस ओशियन के बेड पे अगर अर्थक्वेक आ जाए, यहाँ पे अगर सिस्मिक वेव पाई जाए, तो जो अर्थक्वेक होगा वो क्या करेगा, वो इसके वाटर को वाटर बाहर की तरफ फ्लो करने लगेगा, जिससे क्या होगा, जिससे जो कोस्टल एरिया की सिटीज हैं, कोस्टल एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उन पर उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है। तो ऐसे ही हुआ था सुनामी के साथ। द
The water is seen to pull back from a beach again, then build up into sudden powerful large wave that sweeps along the coastal area. ठीक, हमको क्या सेफ्टी मेजर अपनाने चाहिए अर्थक्वेक में? लिखा हुआ है नंबर वन, लीव योर होम एंड मूव टू ओपन एरिया। घर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके मकान जो हैं वो अर्थक्वेक के आने पे गिर सकते हैं। ये पहली बात, पहला प्रिकॉशन, पहला सेफ्टी मेजर। दूसरा लिखा हुआ है, कीप अवे फ्रॉम हाई राइज बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग जो 34 फ्लोर की बनी हो, 24 फ्लोर की बनी हो, 78 फ्लोर की बनी हो, तो ऐसी बिल्डिंग के पास नहीं खड़े होना चाहिए। जब अर्थक्वेक की पोजीशन हो तो उसे दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो 34 स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर पड़ गई अर्थक्वेक के बेस में ना, तो वो गिरेगी तो बहुत लार्ज एरिया तक उसका इफेक्ट जाएगा। इसलिए ऐसी बिल्डिंग के पास नहीं रहना चाहिए। हाइड योरसेल्फ अंडर अ टेबल। अगर किसी टेबल के नीचे अपने आप को हाइड कर लें तो भी हम अर्थक्वेक के हाई मेजर नुकसान से बच सकते हैं। शट ऑफ किचन गैस। ऐसे समय में किचन के गैस सिलेंडर को ऑफ कर देना चाहिए थी। ठीक है, इफ यू आर इन अ कार, स्लो डाउन एंड ड्राइव टू अ प्लेस अवे फ्रॉम लिंग बिल्डिंग। अर्थक्वेक चल रहा है, कॉन्टिन्यूड है, और ऐसे समय में अगर आप कार से जर्नी कर रहे हैं तो आप कार की स्पीड को स्लो कर दीजिए, और कार को ऐसी जगह पे खड़ी करिए जहां आसपास कोई बिल्डिंग, कोई पोल, कोई ट्री, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ना हो, तब आप सेफ रहेंगे। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, हेल्प अदर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, जिनको ज़रूरत है, जिनको नीड है। किस चीज़ की नीड? हेल्प की नीड है, तो जिनको हेल्प की नीड है उनकी हेल्प हमको करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसी एक्सप्लेनेशन के साथ, सेफ्टी मेजर्स के साथ ही ये चैप्टर आपका एंड हुआ। आर यूनिवर्स, द यूनिवर्स चैप्टर हम लोगों ने एंड किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो क्विक रिव्यू है, ये क्विक रिव्यू आप पढ़ेंगे, क्विक रिव्यू बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है हमने। और आज का होमवर्क आपका है कि आप ये डायग्राम जो एक्टिविटी 2 के ठीक ऊपर ड्रा किया हुआ है, ये डायग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन और लेबल्ड डायग्राम आप बनाएंगे, और कलर्ड डायग्राम बनाएंगे ऐसा है। और ये डायग्राम बना करके आप होमवर्क के फॉर्म में असाइनमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, जिससे हम उसको चेक कर सकें। ओके, तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर द यूनिवर्स। नाउ इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास यू विल रिसीव द PDF ऑफ बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। इट मीन्स वी विल स्टार्ट राइटिंग वर्क फ्रॉम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन साइंस क्लास विद मी। Stay home, students, and be safe. Thank you, class here. Thank you.